उसने अपने कपड़े पहने हुए, कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके कहाँ जा रहे तू? चलो चलते हैं पहले चले। तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। और ये वाला व्लॉग आप लोग देख रहे हो, ये स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं यशिका को स्कूल से लेने के लिए। मैं और शौर्य जाने लगे हैं यशिका को अर्ली थोड़ा सा। ये रीज़न क्या है, अर्ली इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि इसकी मम्मी को और शौर्य को हमें एयरपोर्ट पे छोड़ना है। एयरपोर्ट पे क्यों, आप लोगों जैसे हमारे व्लॉग देख ही रहोगे तो आप लोगों को पता होगा यशिका के स्कूल में कि जो पेड़ है ना इसे कोई पत्ता नहीं है, और ये टहनियाँ देखना कांटे से है बिल्कुल इसमें। ये यशिका ने आते ही स्कूल से सीधा सीधा शौर्य वाली प्रेम पकड़ ली। करी कैसा रहा तेरा स्कूल आज? बहुत अच्छा। कुछ पढ़ाई नहीं, तूने पढ़ाई करी कुछ? वैसे अब तेरी छुट्टी होने वाली थी, 15 मिनट में छुट्टी होने वाली है ना। ओए शौर्य तेरी तो दीदी ये जिद्दी, देख इस यशिका ने अभी पैर सीधा किया, इसने वापस उधर कर लिया। दो तीन बार कर चुके हैं यशिका दीदी तेरा सीधा, हीरो मत बन। यशिका का बैग मेरे कंधों पे और यशिका का गिटार मेरे कंधों पे। तो जब मेरे को भी बचपन में स्कूल से जल्दी लेके आते थे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्या है, बाहर से आते ही इसको टोपी निकालनी होती है सबसे पहला काम। हाय हाय, इंडिया के लिए कोई तो ऐसे रेडी हुआ है भाई, कोई तो ये रबड़ ऐसे निकालने के नहीं है कभी तो, जो ऐसे कर रहा हो। स्टाइलिश बन गया तो है, जेंटलमैन बाबू बन गए बाबू। ओहो, अपनी अटैची में बैठ गया, मम्मी की हेल्प कर रहा है ये बंद करने में। वजन दे रहा है ना ऊपर ना के होता बजाय। ओ देख 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 ये करतब करने। ओए या या ये तो अच्छा लग रहा है। ओए देख देखना कदे सीधा लगे मजा। ओ ओ लाइव कैमरे पे शोर रहे का सीधा मुंह जाके भड लगा। अब रुक जाना, आप खड़ी कर दी तो क्यों हीरो बन रहा है तू? नहीं नहीं देख 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 जबरदस्ती इसको गिरानी है और इसे बैठना है। बस बस बहुत हो गया, चलो हट। देखो खाने में लगी हुई है एयरपोर्ट जाने से पहले। यशिका मम्मी देखो कैसे एयरपोर्ट पे खाना, भाई फ्लाइट वालों का खाना खाना। शोर रहे तेरे को पता भी है क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है तू, तेरे को पता है? नहीं पता इसको। टिकट ले ली, सब कुछ ले लिया, पैक कर लिया। तो मम्मी ने इधर सारा पैक कर लिया है जो अभी मम्मी हैंडबैग से ले लेके जा रही है। नहीं इधर पापा शोरा की डमी की स्ट्रिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर शोरा उसके ऊपर जा रहा है। ये दे दो मम्मी को, ये इसी को दे दो। ओ हाँ मामा ब्लैंकेट भी देते हैं ना साथियों। अम्मा क्या गा रहे हो? हवाले वतन साथियों। ये ऐसा क्यों बोल रही है पता है? क्योंकि ये चाहिए क्या स्ट्रिंग? हाँ स्ट्रिंग तो चाहिए। ओके क्यों गा रहे हो मम्मा ऐसे? क्योंकि मैं और शौर्य जा रहे हैं एंड यशु बेटा यही रहेगा पापा के साथ, तो अब घर का ध्यान रखना है, मेरे लड्डू का ध्यान रखना है, पापा रखेंगे। अब मैं बनूंगा मम्मी के रोल में पापा और मम्मी डुप्लीकेट रोल में, देखना। नो आई एम मिनी सोनिया सुमी। ये कहाँ चले बाहर, चलो बाहर 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 बाहर। सामान वगैरह रख दिया है, सारी सवारी बैठ गई है क्या शौर्य? यशिका यशिका दूध पी रहे हो आप? नहीं। और वो बैग रख दिया भाई। और यहाँ पे फाइनल चेक हो रहा है, बैग सारा यहाँ पे आ चुके हैं पीछे। अब तो एयरपोर्ट पे चलते हैं सीधा। ड्राइवर कौन है आज पता है यशिका? ड्राइवर कौन है पता है? और अब ये सवारी बैठ चुकी है गाड़ी के अंदर और चल चुके हैं, निकल चुके हैं। और यहाँ हमारी ड्राइवर सोनिया सांगवान पूरे रास्ते, मतलब मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे चला जैसे तू हवाई जहाज चला रही है, मतलब नहीं तेज नहीं, मतलब हवाई जहाज की तरह, क्योंकि जाके देखो बैठना है, चिल मारना है। मुझे तो वापस गाड़ी ड्राइव करके भी आनी है, चिल मारना है। वाए वाए पीछे गाड़ी लग रहा है, वो चिल ऐसे कहा होगा मम्मी ऐसी। इन अ क्वार्टर ऑफ अ माइल एट द राउंडअबाउट टेक द सेकंड एग्जिट एंड स्टे ऑन A28। पैरासिटामोल साथ लाई हूं अपने, पैरासिटामोल लाई है साथ में। तेरे को लगता है तंग करेगा ये? नहीं फ्लाइट में वैसे भी वो हो जाता है ना, हैवी हैवी हो जाता है। तो हाँ भाई, तो देखते हैं इनकी जर्नी कैसी रहती है। इनको बोला तो है मैंने व्लॉग करना, अपनी जर्नी जैसे ही शुरू होगी तब व्लॉग, तो उसको तो अलग बनाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। बाकी पता नहीं यार, देखते हैं किस ना क्या होगा, अगर सेम व्लॉग में डाल दें या अलग बनाएं। लेकिन हाँ डेफिनेटली शी विल ट्राई, मुझे पता है कि सोनिया करेगी और सोनिया बढ़िया सा व्लॉग बनाएगी, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर एक माँ ट्रेवल करती है अपने बच्चे के साथ, तीन तीन चार चार सूटकेस लेके,
तो किस तरह से वो पूरा होता है। लेकिन इस वीडियो को अगर 10,000 लाइक मिले तो डेफिनेटली ये सारे के सारे व्लॉग हर दिन के व्लॉग बनाएगी ना। और आपके पास एक तो बहुत अच्छा मौका है, तो काम है। मैं तो पीछे से आपको ओए गाना भी सुनिए कैसा चला है आज, फिर कितने चल लिए मोरनी बनके ने मोरनी बनके बाकी भी जाएंगे क्या पता, धीरे धीरे सब जाए, धीरे धीरे कुछ नहीं पता भाई। गाइस स्टे ट्यून्ड, धीरे धीरे हो सकता है कि और लोग भी निकलना शुरू हो यूके से ऐसे फ्लाइट में धीरे धीरे। बहन भाई देखना पूरा गाना मजा कर रहे हैं। अभी मैं शोर्रे को बोला सो जा रहे, तो सोनिया पता है क्या बोली, क्यों सोना, क्योंकि जो ये फ्लाइट है ना इसका टाइम बहुत बढ़िया है, ये मतलब कि रात की पूरी फ्लाइट है, सुबह इंडिया पहुंचा देगी। तो इससे क्या होता है कि भाई बच्चा जो अगर उसका रूटीन बना हुआ है रात का तो पूरी फ्लाइट में सोते हुए जाता है। देखो क्या लगता है सोनिया, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि शोर्रे सोते हुए जाएगा, क्या लगता है? 100% होता है क्योंकि रूटीन का काफी पक्का है शोर है, लेकिन फिर बच्चों के साथ आप कुछ कह भी नहीं सकते। आप जिस दिन सोचो ना कि आज तो सब ठीक रहेगा उसी दिन नचा देते हैं। तो भाई देखते हैं क्या होता है। और यहाँ यशिका ने अपनी मम्मी की जैकेट पहन लिया। यशिका तेरे को कैसा फील हो रहा है, मम्मी जा रही है? यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा लग रहा है? सैड इंडिपेंडेंट। ओ माय गॉड, ये सोनिया ने क्या सिखाया है कि यू विल बी फील इंडिपेंडेंट, यू विल लर्न हाउ टू बी योर सेल्फ, ऐसा कुछ सिखाया क्या तूने? शी विल बी हरसेल्फ एंड शी विल नॉट हैव एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग टू हर, सो शी कैन डू हर ओन थिंग्स एंड दैट्स व्हेन वी विल सी हाउ डिसिप्लिन्ड शी इज, हाउ गुड शी इज एट कीपिंग हर रूटीन एंड स्टफ, सो लेट्स सी। वाओ यशिका, मैं हूं जो आपके पॉइंट्स नोट करूंगा, सब कुछ बताऊंगा मम्मी को। So you have to be very nice and kind with me. भाई ज्यादा बोर ना करते हुए आप लोग ऐसी बातों से, ये रोड का मजा लीजिए। ये है यूके के रोड। अगर मैं आप लोगों को छोटा सा रोड के बारे में बताऊं तो ये है 1, 2, 3, 4 चार लेन दिख रही है आप लोगों को। जनरली क्या होता है जो फोर्थ लेन होती है, अभी क्योंकि एग्जिट कट रहा है इसलिए ये ऐसी है, नहीं तो जनरली फोर्थ लेन जो होती है वो होती है यहाँ पे हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां ही चल सकती हैं अगर इमरजेंसी आई तो। और अभी भी भाई चलते चलते हो चुकी है शाम, शाम के बाद हो चुकी है रात, रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस पड़ा हुआ है 27 माइल। ओए होए 27 माइल का डिस्टेंस अभी बचा हुआ है जो अभी पूरा करना है। सोनिया कैसा फील हो रहा है आपको ड्राइव करके? तो लग रहा है आ जाए एयरपोर्ट जल्दी से, एयरपोर्ट जल्दी से आ जाए, थक गए, थक गई है, लेट आ जाइए। अब दिल में धक धक हो रही है क्योंकि हमें जनरली ना 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, लेकिन आज हम 3 में से एक फिंगर हट जाएगी, 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। हाँ बेटा, हाँ। तो क्योंकि ट्रैफिक था रास्ते। पहली बार ऐसा होगा 2 घंटे पहले जा रहे हैं एयरपोर्ट। ओए नी क्या हो गया? हाँ क्या है? उसको बात करनी है, देख अब चुप हो गया पीछे की तरफ कैमरा करते ही। वेलकम टू हीथरो एयरपोर्ट, पहुंच चुके हैं हीथरो एयरपोर्ट के अंदर, घुस चुके हैं अब हम, और ये अब सीधी की सीधी फ्लाइट हम एयरपोर्ट। सोनिया शोर्य को पता लग गया, अब मुझे लगता है सोनिया इस तरह से गाड़ी चला रही है कि सीधी की सीधी, वो कहते हैं ना एयरप्लेन के टेक ऑफ, सीधा एयरप्लेन के गेट के ऊपर लेके जाएगी गाड़ी को, वहां रोकेगी, उससे पहले नहीं रोकेगी। सोनिया सोचो आप सीक्रेट सर्विस एजेंट हो और आपको गाड़ी वहीं रोकनी है। और ये और फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3, और ये पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी शॉर्ट स्टे में क्योंकि इनको पूरा अंदर तक छोड़ के जाएंगे। सोनिया ये जो पार्किंग है ना राउंड राउंड जा रही है, और सोनिया को ये थोड़ी सी, कभी नहीं चलाई ना तूने? फंस गई आज सोनिया। नहीं सोनिया बस दूसरे घर पे इस पे चलती रह, तू तीसरा है क्या? पहला ही है अब क्या चल चल तो अब चल फुल है ये वाली 428। हाँ लेफ्ट ले, दिख ड्राइवर हमारा कच्चा है थोड़ा। अच्छा पूरा घर से लेके पूरे एयरपोर्ट तक ले आई और ये भी कच्ची रही है। यस बोलो बोलो क्या? यस बोल रहा है, शोरे खुश हो रहा है भाई। चलो 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 जल्दी गाइस क्विकली, इन बंदों को भागना पड़ रहा है। शोरे हमारी ड्राइवर थोड़ी सी स्लो थी, मतलब दो जगह उसमें से निकाल रही है।
ट्रैफिक से और क्या? अब देखो चलो 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 जल्दी जल्दी, ये लाइन अपनी लग रही है, मुझे तो देसी लग रहे हैं। शोर रहे हैं। पहुंच गया भाई, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया। अभी तो लंदन एयरपोर्ट पे हमारा नंबर आ जाए वही बहुत है। बाय, चले। फाइनली हमने अपना सामान दे दिया, चेक इन कितनी जल्दी कर दिया हमने चेक इन, देखा चलो। अरे ये तो उसी में आ गए, ऐसा लग रहा है भीड़ देखना कितनी है। अच्छा भाई ये तो देसी काम है पूरा। यशिका का इमोशनल शुरू हो गया है। शोरे को नहीं पता बेटा, शोरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि घूमने जा रहे हैं। बाय दीदी। बाय शोरी। बाय। चलो ठीक है, टेक केयर, सी यू सून। बस भाई कितना गले मिलोगे, जाओ लेट मत कर देना फ्लाइट को तुम्हारी को। बेटा इमोशनल नहीं होते। मम्मी क्यों रो रही है, तो तुम रो क्यों रहे हो आपस में दोनों? Why are you crying? Why are you feeling? नहीं बेटा रोते नहीं मेरा बेटा, ना ना ना, गुड गर्ल, आप तो स्ट्रॉन्ग हो बहुत। स्ट्रॉन्ग गर्ल क्या रोती है? मम्मी कहाँ गई? और अब हम ये आ चुके हैं वापस गाड़ी के अंदर। तो यशिका को कुछ मैंने दिलाया कि उसको शांत करने के लिए, इमोशनली उसके इमोशंस थोड़े हाई हो गए थे, लेकिन हो जाता है यार बच्चे के, क्योंकि यशिका कभी रही नहीं ना मम्मी के अलावा। हाँ घूमने तो हम गए थे, तब भी ऐसी कभी जाती थी मम्मी मैं कैसे, और दो दिन में ही वापस होने की बोलती थी। तो कोई नहीं, चलो अब चलते हैं घर की तरफ। मैं अपनी टॉम टॉम मतलब बोलते हैं अपना नेविगेशनल सिस्टम लगा लेता हूँ और घर की तरफ चलते हैं। आई होप उनका जल्दी जल्दी हो जाएगा, मतलब वो तो करवा दिया था हमने चेक इन, तो सब कुछ करवा दिया था। सिक्योरिटी में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बच्चे के साथ हैं, तो प्राइम वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। और उसके अलावा क्या लगेगा इसका वही ना। हाँ उसके बाद वो जो चीज़ें होंगी वो जल्दी हो जाएंगी। चलो चलते हैं घर की तरफ। हाउ यू फीलिंग? ओके गुड। सो गई थी इसका रो के इतना। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अभी जी तो रहे घर पे। अरे ये बच्चे भाई पार्टी बना के जा रहे हैं। वो कहाँ गया अनन्या? हेलो हेलो। अच्छा वो गए गए बाहर गए वो। ओके जी बाय बाय बाय, राम राम। यशिका पूरे एंजॉय कर रही है। और वीर वीर को अपने वीर टॉयज कैसे लग रहे हैं? सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे, उसकी शक्ल दिखाओ एक बार, वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है। ये देखो चेहरे पे दुख। हाँ रुको रुको एक सेकंड। हाँ अरे हाँ यशिका से पूछ लो यशिका। हाँ 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 यार ऐसा नहीं है, कैसा है पार्टी में आया हूँ इसलिए खुशी है। हाँ ओके, बहुत दुखी हूँ अंदर से, अंदर से डीप डाइव कहीं पे मैं बहुत। उसी के लिए शायद क्रिसमस मार्केट जाया जा रहा है, तो दुख को बुलाने के लिए हर रोज ऑक्सफोर्ड पर भी कम। ये मेरी पोल खोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं खुलेगी, कुछ कुछ वीडियो ब्लॉग बना के मैं सीधा सोनिया को भेजूंगा फिर। शिका और मैं वापस घर पे हाई फाई आ चुके हैं। कैसा लग रहा है घर? खाली खाली लग रहा है बिल्कुल, खाली खाली लग रहा है। कोई नहीं बेटा चलो सोए। अब खाना तो हम खा के आ गए। पार्टी कैसी थी? मस्त थी ना पार्टी? कितने सारे बच्चे थे आज? तो आज तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे भाई आज तो, काफ़ी सारे जो दोस्त वगैरह से मिले। लेकिन जब इतने सारे लोग होते हैं ना तो थोड़ा सा व्लॉग बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यार शर्म सी भी आ जाती है, और शर्म के साथ साथ थोड़ा सा ये होता है कि यार कई लोग, मुझे शर्म तो चलो ठीक है मुझे तो नहीं आती टू बी ऑनेस्ट इतनी, लेकिन दूसरे लोग जिनके अगर वीडियो अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे वो ऑकवर्ड फील ना हो जाए, कईयों को मतलब वीडियो में आना पसंद नहीं होता, तो वो चीज़ परमिशन पूछना वगैरह वो सारी चीज़ें। तो इससे मैं कोशिश करता हूँ जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे मैं कम ही बनाता हूँ, फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश करी। तो यही था आज के इस व्लॉग में, आप लोगों ने देखा। और यशिका हमारी अब तो ठीक है, अब तो अब खुद पार्टी में ज्वाइन जाने के बाद तो ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी क्वाइट क्वाइट तो है ही। ठीक है तो कुछ कहना चाहिए जो देख रहे हैं इस वीडियो को?
Remember to like, share and subscribe. चलो एक लाइक और शेयर प्लीज, गोल्डन बटन चाहिए मेरे को, चाहिए भाई, इसका गोल्डन बटन चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार।